नमस्कार, मिशी के ट्रेवलिंग ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपको कुसुम सरोवर लेकर चल रहे हैं। कुसुम सरोवर एक ऐतिहासिक स्थान है जो गोवर्धन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम कुसुम सरोवर में आ गए हैं। तो ये जो कुसुम सरोवर है, यह है गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के प्राचीन सरोवर को मध्य प्रदेश के बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में पक्का बनवाया था। उसके बाद राजा सूरजमल जी ने इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे भव्य सरोवर का स्वरूप प्रदान किया। सरोवर के पश्चिम में राजा जवाहर सिंह जी ने अपने पिता राजा सूरजमल और अपनी तीनों माताओं किशोरी जी, हंसिया जी तथा लक्ष्मी जी की स्मृति में एक ऊंचे चबूतरे पर अत्यंत कलात्मक छतरियों का निर्माण कराया। मुख्य छतरी राजा सूरजमल सिंह की है। तो कुसुम सरोवर की जो महानता है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय श्री राधा रानी जी और उनकी सारी सखियां फूल चुनने के लिए कुसुम सरोवर गोवर्धन में पहुंची। राधा रानी और सारी सखियां जब फूल तोड़ने लगी और राधा रानी जब फूल तोड़ते तोड़ते अपनी सखियों से बिछड़ गई, तो राधा रानी की जो साड़ी थी वह कांटों की झाड़ी में उलझ गई। इधर जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ कुसुम सरोवर में है, तो कृष्ण जी भगवान भी माली का भेष धारण करके सरोवर में पहुंच गए और राधा रानी की साड़ी को कांटों से निकाली और बोले कि हम तो यहाँ के वन माली हैं। इतने में सब सखियां आ गई। अब माली का रूप धारण करे हुए कृष्ण जी बोले कि आपने तो हमारी अनुपस्थिति में ये सब फूल तोड़ लिए, पूरा बाग उजाड़ दिया। इस तरीके से नोकझोंक होने लगी कि हुआ यूं कि आसमान से पुष्प की वर्षा हुई तथा जो राधा रानी के जो पास टोकरी में फूल थे वह भी पृथ्वी पर गिर गए। तो राधा जी समझ गई कि ये तो कृष्णा है, ये कोई माली नहीं है, क्योंकि राधा जी को कृष्ण की बंसी भी दिख गई थी। राधा रानी बोली कि ये जो सारे पुष्प हैं ये पृथ्वी पर गिर गए हैं और इन पे मट्टी लग गई है। अब तो कृष्ण जी भी जान गए थे कि राधा रानी जी पहचान गई है। तब वे दोनों मुस्कुराए। फिर कृष्ण भगवान बोले कि लाइए, मैं इन्हें यमुना जी के जल में धो देता हूँ। किंतु राधा रानी बोली कि नहीं, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी बरसाना भी तो जाना है। तब कृष्ण जी भगवान ने अपनी बंसी से इस सरोवर का निर्माण किया, जिसे आज कुसुम सरोवर कहते हैं, और वह सारे पुष्प इसी सरोवर में धोए तथा साथ ही यहाँ राधा रानी की चोटी का फूलों से कृष्णा ने श्रृंगार किया। रानी हाथ में दर्पण लेकर माली बने कृष्ण का दर्शन करने लगी। आज भी कुसुम सरोवर पे राधा जी तथा कृष्ण जी का पुष्पों से श्रृंगार होता है तथा कहा जाता है, यहाँ की मान्यता है कि आज भी कृष्ण भगवान राधा रानी का यहाँ फूलों से श्रृंगार करते हैं, राधा रानी की चोटी में फूल लगाते हैं। तब राधा जी को अपना चेहरा देखना था तो उन्होंने कुसुम सरोवर के जल में अपना चांद सा मुख भी देखा। जब कृष्णा ने राधा जी को सजा दिया था फूलों से, तब राधा जी ने अपना चांद सा मुख इस कुसुम सरोवर दर्पण रूपी सरोवर में देखा। तो आज भी यहाँ यह मान्यता है कि कृष्ण भगवान यहाँ इस सरोवर में यहाँ भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। आपने कई बार ऐसी प्रतिमा देखी होगी अक्सर, जिसमें राधा रानी जी का कृष्ण भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, अर्थात वे उनकी चोटी पर फूल लगा रहे हैं और राधा जी अपनी प्रतिमा को, जो अपने मुख छवि को जल में देख रही हैं, तो वो यही सरोवर है और यही पर उन्होंने श्रृंगार किया था। तो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
जब भी आप गोवर्धन में आए तो कुसुम सरोवर में जरूर आए। तो आप हमें बताएं कि आपको कुसुम सरोवर कैसा लगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।